सो हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक कस्टमर का फ़ोन आया था हमारे पास जियो भारत का, जो अभी इस समय डेड दिखा रहा है। तो कस्टमर का कहना था कि मैं चार्ज पे लगाता हूँ तो भी ये ऑन नहीं होता है। तो चलिए गाइस, हम इसे देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो हमको सिंपली पहले बैटरी निकाल लेना है। अब गाइस देखिए, बैटरी निकालने के बाद आपको यहाँ कनेक्टर पर दिख गया कि एक जो कनेक्टर है वो टूट गया है। तो पहले उसके अच्छी तरीके से हम उसको सही कर लेंगे। आपको डायरेक्ट गाइस कनेक्टर चेंज नहीं करना है, ना ही कनेक्टर को रिपेयर करना है। पहले आपको ट्यूजर से कनेक्टर को अच्छे से सीधा करके देख लेना है। पहले एकदम अच्छे से सीधा हो जाएगा, उसको देख लेना है। उसके बाद आपको मल्टीमीटर लेना है, मल्टीमीटर को वोल्टेज पे सेट करना है। ये देखिए मैकेनिक का मल्टीमीटर है, अच्छा होता है कि आप ले सकते हैं। और आपको बैटरी चेक करना है। बैटरी कैसे चेक करना है गाइस, आपको बैटरी के माइनस पे आपको ब्लैक वाला रखना है, प्लस पे रेड वाला रखना है। ये रखने के बाद गाइस आपको वोल्टेज चेक करना है। देखिए 4 पॉइंट हमारा आ रहा है, 4.96 का मतलब हमारी बैटरी ओके है। बैटरी का जो मिनिमम होता है गाइस 3.7 और मैक्सिमम होता है 4.2। तो ये दोनों के बीच में अगर कितना भी वोल्टेज आता है तो आपका बैटरी ओके है। तो हमारा गाइस देखिए बैटरी ओके, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका मिनिमम जो है 3.7 वोल्टेज है, इसके ऊपर ही आना चाहिए। इसके नीचे रहेगा तो आपका फ़ोन ऑन नहीं होगा। तो ये हमारा बैटरी ओके है, अब लग गया। तो गाइस आपको फ़ोन भी चेक कर लेना है। फ़ोन कैसे चेक करना है गाइस, आपको सिंपली ये बजर मोड पे लेके जाना है। वहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है मल्टी मोड पे। अब यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद गाइस आपको क्या करना है, फ़ोन के अंदर जो माइनस प्लस का जो पॉइंट होता है उस पर आपको दोनों टच करना है। ये देखिए, ये मैंने टच किया तो यहाँ पर आपको 0.470 ये मिल रहा है। तो इस एक साइड गाइस आपका 400 से 600 के बीच में आना चाहिए और दूसरे साइड आपका 1 पॉइंट से 3 पॉइंट के बीच में आना चाहिए। तो देखिए मेरा 2 पॉइंट आ रहा है और थर्ड वाले पे भी देखिए आपको 3 पॉइंट मिल जा रहा है। तो इसका मतलब हमारा फ़ोन भी ओके है। अब गाइस मैं बैटरी लगा के एक बार चेक कर लेता हूँ। गाइस हमारा फ़ोन तो नो शॉर्टिंग दिखा रहा है, बाकी फ़ोन ओके है। सिर्फ वो कनेक्टर टेढ़ा हो गया था, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए अब मैं इसे चालू करता हूँ, ये हमारा फ़ोन चालू हो गया है। तो गाइस कुछ इस तरीके से आप अपना जियो का फ़ोन ठीक कर सकते हैं। अगर आपका कोई प्रॉब्लम आता है तो पहले आपको खुद से ये करके देखना है, उसके बाद फिर आपको कुछ रिवॉल्यूम वगैरह जो भी रहेगा वो कर सकते हैं। तो हमारा फ़ोन चालू हो गया। सो थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।